एमपी अलीगढ़ में, उसका पति एमपी था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उसका पति विरोध करता था, माला काय को करती है, जब क्यों करती है, जब करने बैठती तो बोलता मेरे लिए नाश्ता बनाओ, चाय लेके आओ, दूध गर्म करो, ऐसा ऑर्डर चलाता था। तो वो बहन जल्दी उठ जाती, 4 बजे पति सोया है ना, उठ के नहा के जप कर लेती और माला आसन पाठ की पुस्तक छुपा के रख देती थी अलमारी में। पति उठते तो नाश्ता तैयार कर देती, पर नाश्ता बनाते समय भी मन में भाव करती कि मेरे पति को भी भक्ति का रंग लगा दे भगवान, वो भी अपनी जिंदगी यूं ही क्यों खराब करें, जब दुनिया से जाना ही है तो भक्त होकर क्यों न जाए, अपना हाथ अपना दिल खाली करके क्यों जाए, अपना दिल भक्ति से भर के जाए। तो प्रार्थना करती थी, तो उसके पवित्र भावों से बना हुआ पवित्र भोजन, कई लोग तो कान में ईयरफोन लगाकर फिल्म के गाने सुनते सुनते खाना बनाते हैं, या टीवी चल रहा है, गाने चल रहे हैं, दिल के टुकड़े हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, अब बनाने वाले के दिल के 1000 टुकड़े तो खाने वाले के तो 1,00,000 टुकड़े हो जाएंगे बेचारे के। तो इससे तो नाम गुरु मंत्र जपते जपते वो बहन खाना बनाती थी। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, 2-2.5 साल बीते जब अलीगढ़ में गुरुदेव का सत्संग हुआ तो उसी एमपी ने आकर दीक्षा ले ली, और दोनों पति पत्नी मेरे से मिलने आए थे तो वही बता रहे थे कि पहले ऐसा होता था। वो एमपी खुद बोला कि मैं मेरी पत्नी को खूब गुस्सा करता था जब वो माला करने बैठती थी, अब तो मैं खुद माला करूंगा। सुबह 6 बजे था दीक्षा का टाइम, वहां पर 6 बजे आकर बैठ गए थे वो एमपी दीक्षा लेने के लिए। तो बहन उसके पत्नी का संकल्प काम कर गया ना, उसकी पत्नी दुखी नहीं हुई, क्या करूं मेरे पति मानते नहीं है, जप नहीं करने देते, पाठ नहीं करने देते, तो ऐसा परेशान नहीं हुई। भगवत गीता में एक श्लोक आता है 2 अध्याय में, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुख धीर सो अमृत तत्वाय कल्पते। व्यथित कर देने योग्य परिस्थिति में भी जो व्यक्ति व्यथित नहीं होता, माने परेशान नहीं होता, आवेश में नहीं आ जाता, शांत रहता है, सम दुख सुख धीर, जो धीर होता है सुख और दुख में शांत रहता है, तो सो अमृत तत्वाय कल्पते, मतलब वो ईश्वर प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है, मोक्ष पाने का अधिकारी हो गया खाली इतना करने से बस। विद्यार्थी भाई बहने हैं, उनको समझो परसेंटेज कम आते हैं, तो वो क्या करें, जब भी पढ़े ना घर में तो पूर्व और उत्तर के बीच ईशान कोण पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच का कोना, उधर मुंह करके पढ़े, पढ़ा हुआ जल्दी याद रहने लगेगा, और मुंह जूठा रखकर कभी न पढ़े, कभी चॉकलेट खाई, कभी चाय पी, कभी लस्सी पी ली और मुंह जूठा ही है, जूठे मुंह पढ़ेंगे तो याद नहीं रहेगा, विद्या नहीं आएगी। रात को भी सोएं तो मुंह जूठा रख कर ना सोएं, जो रात को मुंह जूठा रख के सोते हैं ना उनको फालतू सपने बहुत आते रहते हैं, पर रात को मुंह धोकर भगवान का नाम जप के फिर सोते हैं तो उनका शयन काल भी साधन काल बन जाता है, उनकी नींद भी भक्ति बन जाती है। और विद्यार्थी ये भी ध्यान रखें, पेपर देने जाएं, परीक्षा देने बैठे हों तो पेपर देखकर कई घबरा जाते हैं और मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, जो पढ़कर आए भूल जाते हैं, पेपर अच्छा नहीं जाता फिर रोते रहते हैं। तो पेपर देते समय जीभ को तालू में लगा देने से ऊपर मानसिक संतुलन अच्छा बना रहता है, घबराहट नहीं होती, घबराहट नहीं होगी तो घर से जो प्रैक्टिस करके आए वो ठीक से याद आएगा और पेपर अच्छा जाएगा तो रिजल्ट अच्छा आएगा। ये करके देखना, बहुत फायदा हो। और सर्दियां खूब हो ना, ठंडी का मौसम हो तो बच्चों के लिए तिल के लड्डू बनाकर रख दें घर में, और दोपहर को खाना खाने के बाद बेटे बेटियां अगर तिल का एक लड्डू चबा चबा कर इतना चबा कर खाएं कि उसका रस हो जाए, वो खाएंगे तो भी बच्चे बच्चियों की याद शक्ति बढ़िया होगी। बड़ी माताओं को चाहिए कि बेटे बेटियों को पढ़ाना हो तो सरस्वती का रूप धारण करो, किस युक्ति से मेरे बेटे बेटी का रिजल्ट अच्छा आएगा, वे परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होंगे, ऐसा करें, उनको रात को सिखाएं, बेटे पूर्व दिशा में सिर करके सो, पढ़ते समय ईशान कोण की तरफ मुंह करके पढ़ो, और वो भोजन के बाद तिल का लड्डू, कभी 1-2 बादाम रात को भिगो दी पानी में, सुबह छिलका उतार के बेटे को दी बेटी को दी, चबा के खाए, दूध पिए, खुद भी चाय पिए और बेटे बेटी को भी चाय पिलाए, तो क्या होगा उनकी याद शक्ति का। पहले तो बोलते थे कराग्रे वसते लक्ष्मी करम अध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम, दोनों हाथ अपने मुंह पर घुमाते थे कि मेरे साथ धन सरस्वती और भगवान की कृपा सदा रहेगी, पर आजकल तो कराग्रे वसते ब्रेडम करमध्ये बिस्किटम करमूले चाय पात्रम प्रभाते कपदर्शनम,
अब कई लोग ऐसा करते हैं, तब इससे क्या होगा बताओ, याद शक्ति मारी जाएगी ना। इससे तो तुलसी के पत्तों का सेवन किया जाए। बुधवार के दिन बेटे बेटियां जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, हर बुधवार को जब रोटी खाने का टाइम हो ना आपका, जब भी खाना खाते हो, खाना खाने से पहले 3 पत्ते तुलसी के गंगा जल में डुबोकर फिर वो खा लें, फिर भोजन करें, तो वो बच्चे विद्यावान होंगे। और सारस्वती मंत्र रोज जपे, बुधवार को ज्यादा जपे, तो वो बच्चे बहुत अच्छे प्रतिभावान छात्र होंगे। और सूर्य को जल बेटियां भी दें, बेटे भी दें, बच्चे भी दो, बच्चियां भी दो। महीने में 4-5 दिन बहनों को नहीं देना चाहिए, बाकी बहनें भी सूर्य को अर्घ दे सकती हैं। कई लोग बोलते हैं बहनों को हनुमान जी के मंदिर में नहीं जाना चाहिए, बहनों को सूर्य को जल नहीं देना चाहिए। अरे बहनें थिएटर में जा सकती है, कहीं घूमने जा सकती है, शादी पार्टी में जा सकती है, मंदिर में नहीं जाना चाहिए हनुमान जी के, उनको ये सूर्य को जल नहीं देना चाहिए। ये सब वासना के पुतले लोग जो होते हैं ना, वे ही अफवाहें उड़ाते हैं। बाकी बहनें तो सखुबाई, भूरीबाई, जनाबाई, मुक्ताबाई, सौराष्ट्र की गंगा सती कितनी महान हो गई। अमेरिका में एक बहन मुझे मिली, पुष्पा नाम था उसका, बहुत संपन्न घर है उनका, बहुत संपत्ति है। तो उन्होंने मुझे बताया, मैं बचपन से हनुमान जी की भक्ति खूब करती, हर शनिवार और मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाती वो बहन, बचपन से ही हनुमान जी के प्रति उसकी खूब श्रद्धा थी। और हनुमान चालीसा तो उसको कंठस्थ थी, संकट मोचन उसको याद था, बाल समय रवि बख्श लियो तब तीनों लोग भयोवंद, ये सब उसको याद था। हनुमान जी की खूब भक्ति की थी। बड़ी हुई तो उसकी एक सहेली ने अपने बापू के सत्संग की कैसेट दी उसको सुनने के लिए। वो उसने सुनी और कैसेट के कवर पर गुरुदेव की तस्वीर देखी, तो बापू जी की तस्वीर के पास हनुमान जी के भी दर्शन हो रहे थे उसको। तो पुष्पा बहन को मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ, उठकर बाहर गई तो देखा नहीं सुबह का समय, फिर अंदर आई, फिर गुरुदेव की तस्वीर वाला कार्ड कैसेट के कवर पर जो होता है ना वो देख रही थी, तो फिर हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं गुरुदेव के पास। और हनुमान जी उसको प्रेरणा दे रहे हैं कि बेटी मैं तेरे पर खुश हूं, मैंने ही तेरे तक ये सत्संग पहुंचाया है, अब तू गुरु जी के पास पहुंचना और भगवान के नाम की दीक्षा लेना और इनका सत्संग सुनना, क्योंकि मैं भी प्रभु चरित्र सुनी वे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी को भी प्रभु चरित्र सुनना अच्छा लगता है। आजकल तो कोई बोले मेरे को तो वो गाना अच्छा लगता है, मेरे को वो गाना अच्छा लगता है, मेरे को ये फिल्म देखना अच्छा लगता है। और हनुमान जी को क्या अच्छा लगता है? प्रभु चरित्र सुनी वे को रसिया। और कई हिंदू ऐसे होते हैं इतने कमजोर दिल के, कब्रों पर मजारों पर जाके दया की भीख मांग, दया करो दया करो, फलाना पीर दया करो। अरे काहे को जाना, हिंदू धर्मावलंबी होकर कब्रों मजारों के आगे दया की भीख क्यों मांगना? काहे को सड़ी गली राख वहां से उठाकर उसका तिलक करना? नहीं जाना चाहिए। हनुमान जी क्या कमजोर है क्या? हनुमान चालीसा कभी नहीं पढ़ी? संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। ये कभी हनुमान चालीसा में नहीं पढ़ा? जो कब्रों और मजारों के ऊपर जाके चादर चढ़ाएं और अगरबत्ती जलाएं और वहां की सड़ी हुई राख बासी, कभी कोई पशु मुंह डाल गया, कभी बिल्ली चाट गई, कभी कुत्ता सूंघ गया, वो उठा के सिर पे लगाए, काहे को चल चल हट, बाहर निकाल घर से बाहर। शिवरात्रि मासिक हो, आज मासिक शिवरात्रि है, आज बहुत अच्छा दिन है, दीक्षा मिल रही है हमको, मासिक शिवरात्रि है आज, आज और मंगलवार भी है। बहुत सुंदर योग भगवान ने बनाया है, ये भगवान विट्ठल ने बहुत राजी होकर आज औरंगाबाद में ये योग बनाया कि मासिक शिवरात्रि को दीक्षा मिले। घृष्णेश्वर महादेव राजी हुए हैं बहुत, मैं सच कहता हूँ, घृष्णेश्वर महादेव ने राजी होकर मासिक शिवरात्रि को ये योग बनाया कि यहाँ दीक्षा मिले बापू के मुख से। एक बार मैं स्तुति बोलूंगा घृष्णेश्वर महादेव की, आप मिलकर मन ही मन घृष्णेश्वर भगवान को प्रणाम कर लेना कि आपने ऐसा योग बनाया प्रभु, हमें ऐसा गुरु का दर्शन सत्संग हमेशा मिलता रहे और हमारी भक्ति बढ़े जो सब सुखों की खान है। इलापुरे रम्य विशाल केस्मिन् सम्मुल्ल संतम च जगद्वरेण्यम् वंदे महोदारतर स्वभावम् घृष्णेश्वराख्यम् शरणम् प्रपद्ये, घृष्णेश्वराख्यम् शरणम् प्रपद्ये।
कितनी बड़ी बात, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आज कि आज के दिन दीक्षा मिले। और मासिक शिवरात्रि की शाम को हर महीने अगर कोई पांच बत्ती वाला दीपक शिवलिंग के आगे जला कर रखे और बैठ के जप करे तो उसके सिर पर से कर्जा जल्दी उतरेगा। इतने अच्छे अच्छे शास्त्र के उपाय, फिर भी कोई जाकर कब्रों के आगे भीख मांगे तो वो कितना दया का पात्र है। सेठ का बेटा रोटी के टुकड़े के लिए होटल के बाहर भीख मांगे तो सेठ को कितना दुख होगा। ऐसे हम ईश्वर की संतान है और कहीं जाकर दया की भीख मांगे, फलाना पीर दया करो, अगरबत्ती जलाते हैं दया करो, तो ईश्वर को कितना दुख होगा कि मेरी संतान दया की भीख मांग रही है। अरे दया का दाता हो सकता है, दया करने वाला बन सकता है, भिखारी क्यों बनना? सम्राट होकर, शहनशाह होकर याचक क्यों बनना? स्वामी विवेकानंद का नियम था अयाचक व्रत, किसी से कुछ नहीं मांगना। तो एक दिन क्या हुआ पता है, स्वामी विवेकानंद ट्रेन में कहीं जा रहे थे, गर्मी के दिन थे और उनको भूख बहुत लगी थी, और मांगना नहीं है, सन्यासी आदमी किसी से मांगने का नहीं, ये व्रत था उनका। भूख लगी है, प्यास लगी है, अब गर्मी, तो एक आदमी उनके सामने जानबूझ कर, वो ऐसे ही था संतों का विरोधी, वो विवेकानंद के सामने जानबूझ के कभी मिठाई खाए, कभी नमकीन खाए, कभी पूरी सब्जी खाए और ठंडा पानी पिए, विवेकानंद देख रहे थे और चुप बैठे थे। फिर एक स्टेशन पर उतरे, वहां से ट्रेन बदलनी थी, कहीं और जाना था, तो वो आदमी भी उतरा, फिर छांव में बैठे और वो फिर खाना खाए, मिठाई खाए, पानी पिए, आह क्या पानी है, आह क्या मिठाई है, क्या नमकीन है, वाह वाह, ऐसा नखरे करे। और विवेकानंद को इतनी भूख, कल का नहीं खाया था, कल की भूख और आज की भूख। विवेकानंद शांत हो गए और अपने गुरुदेव को याद किया, गुरुदेव का स्मरण किया, और क्या हुआ पता है, उसी नगर में एक मिठाई वाला सेठ रहता था, मिठाई की दुकान थी उसकी। तो दिन को खाना खा के वो सोया था, तो सपने में उसको भगवान राम ने दर्शन दिए, वो राम जी को इष्ट मानता था मिठाई वाला। राम जी ने दर्शन दिए और कहा कि एक संत बैठा है स्टेशन पर, सेठ जा उसको खाना खिला के आ, जा उसको ठंडा पानी देकर आ। तो सेठ को लगा कि ऐसे ही सपना होगा, तो करवट बदल के फिर सो गया। भगवान राम ने फिर सपने में कहा, अरे सेठ, अरे बेटा तू मेरी बात मानता नहीं, जा, तू मेरा भक्त है ना, मेरी भक्ति करता है, राम राम जपता है, जा वो संत बैठा है, उसको खाना देकर आ, उसको मिठाई और पानी देकर आ। तब तो वो सेठ उठा, पत्नी को कहा जल्दी खाना बनाओ, मैं दुकान से तब तक मिठाई लेके आता हूं बॉक्स में। दुकान से मिठाई लाया, पत्नी ने खाना तैयार किया, और उसने खाना, मिठाई और बिछाने की चटाई, पानी भर के आया रेलवे स्टेशन, और स्वामी विवेकानंद के आगे वो मिठाई और खाने का टिफिन रखा और चटाई रखी, पानी रखा। बोले महाराज महाराज खाइए, आपके लिए खाना लाया हूं, आपने कल से खाना नहीं खाया ना। वो विवेकानंद तो रो पड़े, आंख में आंसू आ गए, उनको लगा कि आपको किसने कहा। तो सेठ ने कहा कि भगवान राम ने मेरे को सपने में दर्शन दिए, मैं कितने साल से राम राम जपता था, मैं कितने साल से राम राम जपता था, मेरे को कभी राम जी ने दर्शन नहीं दिए थे, आपकी भक्ति धन्य है महाराज, आज आपके कारण मेरे को सपने में राम जी के दर्शन हो गए। तब विवेकानंद जैसे एक बच्चा रोता है ऐसे रोए, और उन्होंने कहा कि वाह मेरे गुरुदेव, मैंने तो राम जी को कहा भी नहीं था कि मेरे को भूख लगी है, और मैंने तो आपका ध्यान किया था, मैंने तो गुरुदेव का स्मरण किया था, और गुरुदेव का स्मरण करने से मेरी बात राम जी तक पहुंच गई, और राम जी ने इस सेठ को सपने में दर्शन देकर कहा कि जा मेरा संत बैठा है, उसको खाना खिला क्या। तब वो आदमी जो विवेकानंद के सामने बैठकर नखरे कर रहा था, वो आया उठकर, और उसकी आंख भी भर आई, और उसने विवेकानंद के चरणों में प्रणाम करके माफी मांगी कि महाराज मैंने आपको पहचाना नहीं कि आप इतनी ऊंची हस्ती हैं, भक्ति में बड़ी शक्ति है। विवेकानंद की अपने गुरु में खूब भक्ति थी, उनको बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि मैंने राम जी को तो कुछ कहा ही नहीं है, मैंने याद तो मेरे गुरुदेव को किया था, और राम जी ने सेठ को सपने में दर्शन कैसे दे दिए। जो गुरु है वो ईश्वर है, जो ईश्वर है वो गुरु है, नहीं तो कहां विवेकानंद ने राम जी को कहा था, उन्होंने तो गुरुदेव को ये कहा, ये भी नहीं कहा था मेरे लिए खाना भेजो, अपने गुरु को प्रार्थना करके कहा था कि मेरे शरीर को भूख लगी है, पर मेरे को तो आपकी भक्ति की भूख है, मैं आपसे खाना नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे आपकी भक्ति मांग रहा हूं, मुझे अपने चरणों की भक्ति दो, मांगी थी भक्ति,
मुझे सुख दुख में समता दो। मांगी थी समता, पर शिष्य की समता हो पर गुरु की ममता खूब होती है अपने शिष्य में। जैसे बाप की माँ की ममता होती है अपने बच्चे में, माँ अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती, बाप अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकता, तो माँ और बाप से भी ज्यादा ममता गुरु के दिल में होती है। हम पहचान ना पाए तो कमजोरी हमारी है, पर गुरु ने देखा मेरा शिष्य मुझसे भले खाना नहीं मांग रहा है, समता मांग रहा है, पर मेरी ममता तो है। मां बाप की ममता होती है उससे कई गुना ज्यादा गुरु की होती है। मद्रास से चेन्नई से थोड़ा दूर एक गांव में एक बच्ची 18-19 साल की रात को उठी पानी पीने के लिए। गर्मी के दिन थे, गरीब थे वो लोग, झोपड़ी में रहते थे। रात को देखा कि माँ वो पिता के पैर दबा रही और सेक कर रही है। सुबह बेटी ने पूछा, माँ तुम पिताजी को सेक क्यों कर रही थी रात को? माँ बोली कि बेटी तू अब बड़ी हो गई है, तेरे लिए कपड़े भी ज्यादा चाहिए, तू कॉलेज में पढ़ती है तो अच्छे कपड़े चाहिए तेरे लिए बेटी, और तुझे ट्यूशन के लिए जाना पड़ता है तो उसके लिए पैसे भी चाहिए, तो तेरे पिताजी तू जानती है पैडल रिक्शा चलाते हैं, तो उनको होता है कि मेरी बेटी को कोई कमी न पड़े तो रात को देर तक पैडल रिक्शा चलाते हैं ताकि मेरी बेटी के लिए मैं पैसे कमा सकूं। इसलिए उनके पैरों में दर्द हो जाता है, घुटने में दर्द हो जाता है, तो मैं उनको सेक करती हूं तब उनको नींद आती है। तब बेटी ने माँ को कहा कि माँ पिताजी को कहना मैं दो जोड़ी कपड़े में काम चला लूंगी, पर मेरे लिए वो इतनी मेहनत न करे, मेरे लिए पिताजी इतने परेशान न हो। बेटी का भी दिल कैसा था अपने बाप के लिए। तो ममता तब दुख देने वाली होती है जब शोषक हो, पर ममता पोषक होती है तो सुख देने वाली होती है। विवेकानंद की अपने गुरु में ममता थी और गुरु की विवेकानंद में ममता थी। और ये घटना जो मैंने आपको सुनाई ये रामकृष्ण देव के शरीर छोड़ने के बाद की है। रामकृष्ण देव धरती पर नहीं थे, चले गए थे, ब्रह्मलीन हो गए थे, दुनिया से विदा ले ली थी। पर मैं आपको बताऊं, गुरु एक ऐसे सूर्य हैं जो कभी अस्त नहीं होते हैं। प्रकृति का सूर्य तो शाम को रोज अस्त हो जाता है, पर गुरु रूपी सूर्य कभी अस्त नहीं होता। शरीर नहीं था वे गुरु रामकृष्ण का, फिर भी कैसे उस सेठ को राम जी ने स्वप्न दिया और वो सेठ खाना लेकर आया। ज्ञानेश्वर महाराज ने ऐसे ही भक्ति की महिमा नहीं गाई है। और ज्ञानेश्वर महाराज की गुरु भक्ति से कितने लोगों को लाभ हुआ और आलंदी तीर्थ धाम बना है, लाखों लोग जाते हैं उधर ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि पे दर्शन लेने को, प्रणाम करने को। हरि ओम।
विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल 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 विठ्ठल विठ्ठला का जो पाठ करने वाली मिली थी उसमें संत मिलन को जाइए वाला पाठ हमने नहीं किया, गुरुदेव पधार नहीं। दुनिया में जो अश्रद्धालु लोग होते हैं ना, वो समझते हैं हम शक्तिशाली हैं, हम साहसी हैं, परंतु सच्चाई कुछ और है। अश्रद्धा कायरता का निचोड़ है और श्रद्धा साहस का नवनीत है। जिसकी अश्रद्धा है, दिल में श्रद्धा नहीं गुरु के लिए, इष्ट के लिए, उनके लिए भगवान ने भगवत गीता में कहा 9वें अध्याय में, अश्रद्ध दाना पुरुषः धर्मस्यास्य परम तपः अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमन। भगवान कहते हैं जिनमें श्रद्धा नहीं है ऐसे अश्रद्धालु लोग मेरी प्राप्ति न करके जन्म मरण रूप संसार में ही भटकते हैं। दूसरे एक भाई साहब करण श्रॉफ पूना के, वो जहां सर्विस करते थे किसी कारण से उनको कहा गया कि अब आपकी ये गई जगह। उन्होंने कहा ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ, सत्संग में सुना है जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, गठरी चिंता की उठाकर घूमने से क्या होगा। गुरुदेव का सुमिरन करें तो सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए। नित्योत्सवम भवत्ये शाम नित्यम श्री नित्य मंगलम। वहां नित्य उत्सव होता है, वहां नित्य श्री बढ़ती है, श्री संपत्ति बढ़ती है, दैवी संपत्ति भी बढ़ती है। नित्यम श्री नित्य मंगलम, वहां अमंगल नहीं होता। तो उसको भी लगा कि गुरुदेव के सानिध्य में जा रहा हूं, जो होगा देखा जाएगा। तो पूना से बॉम्बे आए, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में सत्संग था, गुरुदेव की करुणामयी दृष्टि पड़ी। तो गुरु की दृष्टि में करुणा होती है, गुरु की दृष्टि में रुजुता होती है, गुरु की दृष्टि में प्रेम होता है। और लोग हमारी तरफ देखते हैं तो उनके देखने में कामना होती है, वासना होती है, पर गुरु के देखने में जैसे गोपियां भगवान को कहती है कि आपका देखना भी हमारे मंगल के लिए है और आपकी उस दृष्टि को हम याद करते हैं तो भी हमारा भला होता है। तो वो करण जी आए, बैठे, सुबह का सत्संग सुना, फिर थोड़ा कुछ अल्पाहार करके आकर के बैठे सत्संग में शाम का सुनने को। तो उनके मोबाइल पे फोन आया कि साहब आइए और आप ड्यूटी फिर से ज्वाइन कर लीजिए, आपको ऐसा मना किया गया था पर हम आपसे माफी चाहते हैं, आप आ जाइए। पर आश्चर्य की बात तो यह है कि उनका जो बॉस था, जो उनको निकाल रहा था, उस बॉस को ही बड़े लोगों ने निकाला और उस भाई को बॉस की जगह पे रख दिया, वो मुख्य जगह पे आ गया।
बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आज, एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए। वो एक उस दिन उसी दिन काम हो गया। श्रद्धा गहरी होती है तो परिणाम पीछे पीछे आता है परछाई की तरह। दुखों का अंधेरा दूर होकर उसके जीवन में सुखों का सूरज चमकता है। जिनके जीवन में सदगुरु नहीं, गुरु का सत्संग नहीं, सत्संग की मांग महसूस नहीं होती, ऐसे लोगों ने जन्मे तब से अब तक मरने के सिवाय और कुछ भी नहीं किया है। उनका जीवन मानो एक लंबी निराश यात्रा है। हालांकि जीवन एक अवसर था परम जीवन को पाने के लिए, पर सदगुरु की शरण न गए, इसलिए भगवान कृष्ण ने भागवत में, भगवत गीता में गुरु की उपासना की बात बताई है। भगवत गीता में भगवान ने एक तो देवता की उपासना की बात बताई है कि देव की उपासना करो, किसी भी देवी देवता की, तो आपको मनचाही वस्तु दे देंगे, और मनचाही वस्तु मिली तो उसका अंत भी होगा, वो छूटेगी। संसार में लोग ऐसे हैं, पतझड़ को चमन कह रहे हैं, अकाल को सुकाल कह रहे हैं। जीवन में वो संपदा पा सकते थे जो कभी छीनी न जा सके, वो गुरुदेव के चरणों में बैठकर हम लोग पा रहे हैं, जो मृत्यु के द्वारा छीनी नहीं जा सकती। पर नादान लोग सदगुरु की महिमा से वंचित जो हैं, वो जीवन गंवा देते हैं उस संपदा को पाने में जिसका छीना जाना सुनिश्चित है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, भक्त की जीवन यात्रा सदगुरु के सत्संग के अनुसार, जोते ही पंथ चले मन लाई, तोक हरी हो ही न काहे सहाय। एक दूसरे भाई साहब ने आज पत्र दिया है, उनका नाम है रामेश्वर गणपत राव नंदे राव। ऋषि प्रसाद की सेवा करता हूं, मेरे से एक भाई ऋषि प्रसाद पत्रिका लेते थे, उनकी किसी बीमारी में आंखों की रोशनी चली गई थी, दिखाई नहीं देता था। डॉक्टर के पास गए, इसमें लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं। डॉक्टर ने कहा कि आंखों का ऑपरेशन करवाना होगा, 60,000 से 70,000 रुपए खर्चा आएगा, और ऑपरेशन के बाद रोशनी आएगी ये हम गारंटी नहीं देते। तो वो भाई घर आए, इतना खर्चा तुरंत कर नहीं सकते थे। रात में प्रार्थना करते करते आंखों से भक्ति भाव के आंसू बहाते हुए सो गए। प्रार्थना केवल शब्दों में कही गई हो तो वो ज्यादा दूर नहीं जाती, और प्रार्थना में अगर भक्ति भाव के और कृतज्ञता के आंसू हो तो उस प्रार्थना को पंख लग जाते हैं और बहुत दूर तक वो व्यापक हो जाती है, और व्यापक हो जाती है तो गुरु सदगुरुदेव व्यक्ति के रूप में हैं पर फिर भी व्यापक हैं। वो मानव के रूप में दिखते हैं, परंतु शिवजी स्वयं कहते हैं अत्रि नेत्रः शिवः साक्षात्। एक भाई बचपन से शिवजी की उपासना करते थे, उनको सपने में शिवजी का संकेत हुआ तो उन्होंने दीक्षा ली, भिवंडी में रहते मुंबई, दीक्षा ली तो घर में उन्होंने एक मंदिर बनाया हुआ था कि बचपन से शिवजी के उपासक रहे, तो शिवलिंग रखा था, मंदिर था छोटा। तो दीक्षा के बाद एक दिन वहां बैठे हुए जप कर रहे थे तो शिवलिंग में उनको गुरुदेव के दर्शन होने लगे। उन्होंने तुरंत उसका एक चित्र खींच लिया, 45 दिन तक उसमें गुरुदेव के दर्शन होते रहे, और वो चित्र उन्होंने मुझे भी दिखाया, मैंने देखा बराबर उसमें गुरुदेव के जैसे
केश दिखते हैं, दाढ़ी है, गले में जो माला गुरुदेव पहनते हैं वो माला शिवलिंग में दिख रही, बराबर गुरुदेव की आकृति। वो बड़े गदगद हो गए, भाव विभोर हो गए कि हम लोग स्तुति में जो बोलते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म गुरुदेव महेश्वर, ये किसी एक व्यक्ति के कहे हुए शब्द नहीं है। अनेकों फूलों को निचोड़कर जैसे इत्र तैयार किया जाए सार सार, ऐसे अनेक भक्तों के अनुभव का निचोड़ है ये। ऐसे गुरुदेव का सानिध्य आज हमको मिल रहा है, आज मासिक शिवरात्रि को। वैसे तो हर दिन ही हमें पर्व लगे दीदार हो जब गुरुवर का, हर दिन पर्व है। अभी आप देखो ना यहां कितना आनंद का आलम छाया है, कितनी खुशी कितनी प्रसन्नता है सबके चेहरे पर। बाहर से गर्मी है शरीर को लग रही पर भीतर गर्मी नहीं है। भगवान रामचंद्र जी अपने गुरु वशिष्ठ जी को कहते हैं कि गुरुदेव, योग वशिष्ठ महारामायण में, हजारों चंद्रमा मिलकर भी वो शीतलता नहीं दे सकते जो शीतलता आपके दर्शन से और आपके वचनों से हमको अनुभव में आई है। तो उनकी प्रार्थना प्रेम से भरी हुई थी। हर राज्य की अपनी अपनी बोली होती है, पर प्रेम राज्य की भी एक बोली होती है। वो मुंह से नहीं कही जाती, वो आंखों से कह दी जाती है, हृदय से कह दी जाती है, और गुरु हृदय से उसका अनुभव भी कर लेते। जैसे अहिल्या पत्थर के रूप में पड़ी थी, उसने नहीं कहा था विश्वामित्र जी को कि महाराज मुझे राम जी की चरण रज दिलाओ, पर विश्वामित्र जी राम जी को कहते हैं। कितना आप देखो, अहिल्या ने इंद्र के कहे में आकर भूल कर दी, पर फिर इंद्र ने उसका साथ दिया नहीं दिया। स्वर्ग का एक छत्र सम्राट एक छतरी लगाने नहीं आया, वो पत्थर के रूप में धूप में पड़ी रहती थी। उनका बेटा भी उनसे मुंह मोड़ के चला गया, शतानंद बड़ा विद्वान आदमी था और जनक राजा का राजपुरोहित, उसने भी मां से मुंह मोड़ लिया और पति तो चले ही गए छोड़कर। सबने मुंह मोड़ लिया पर गुरु ने मुंह नहीं मोड़ा। सुख का साथी जगत सब, दुख का ना ही कोई, दुख का साथी साईया पूर्ण सदगुरु होए, वही साथी हैं। इसलिए उनके लिए प्रार्थना में भक्त हम सब लोग बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। और ऐसे गुरु का महान उदार स्वभाव है। जैसे घृष्णेश्वर महादेव यहां से थोड़ी दूर पर ज्योतिर्लिंग है, उनका स्वभाव कैसा, उनकी स्तुति में घृष्णेश्वर महादेव की वंदना में ऐसा लिखा गया है, वंदे महोदारतर स्वभावम। घृष्णेश्वर महादेव का स्वभाव कैसा, बोले महान उदार स्वभाव है। ऐसे ही सदगुरु का शिव स्वरूप गुरु का स्वभाव कैसा है, महान उदार स्वभाव है। वंदे महोदारतर स्वभावम। घृष्णेश्वर की स्तुति में एक और सुंदर शब्द आता है, सम्मुल्ल संतम च जगद वरेण्यम। वरण करने योग्य वही है, सदगुरु वरण करने योग्य है। गुरुवर, एक गुरुवर में जो वर शब्द आता है वो यही संकेत करता है कि ये ही वरण करने योग्य है। दुनिया की चीजें वरण करने योग्य जिन्होंने की थी नहीं, पर की तो उनको धोखा मिला। तो उन्होंने बताया, रात को रोते रोते सो गए, सपने में बापूजी सत्संग देते हुए दर्शन दे रहे थे और अचानक नींद खुल गई। बेटी को आवाज दिया, बेटी बेटी, सुबह के 5 बजे थे। बेटी के सहारे अपना नित्य कर्म किया, ऋषि प्रसाद पत्रिका हाथ में लेकर
उस पर गुरुदेव की तस्वीर तो है ही। तो तस्वीर एक साधारण आदमी के लिए तस्वीर है, पर भक्त के लिए वो तस्वीर नहीं है, भक्त के लिए वो गुरु है। एक साधक ने अपने घर में बीचों बीच पूजा की जगह पर अपने बापूजी की तस्वीर रखी थी और देवी देवताओं की अगल बगल में रखी हुई थी। घर में कोई मेहमान आए, उन्होंने कहा कि आपने अपने बापूजी की तस्वीर पूजा की जगह पर ये बीच में ही क्यों रखी है और देवी देवताओं की इधर उधर साइड में, गुरुदेव बापूजी की बीच में। उस साधक ने कहा कि मेरे बापू हैं और मैंने बीच में तस्वीर रखी है, तू बीच में क्यों आता है, तुझे बीच में आने की कोई जरूरत नहीं, मैं जानू, मेरे गुरुदेव जाने, वो मेरे आराध्य देव हैं, मेरे उपास्य देव हैं और उनसे मुझे क्या मिलता है वो मैं जानता हूं। सूर्य के प्रकाश की महिमा को उल्लू नहीं समझ सकता, उसको दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही सदगुरु की महिमा और गुरु की गुरुता को साधारण आदमी नहीं जान पाएगा। फूल की तस्वीर खींच सकते हैं सुगंध की नहीं, शहद की तस्वीर खींच सकते हैं मिठास की नहीं, धरती की तस्वीर खींच सकते हैं पर उसमें जो रस है गन्ने को मीठा करता है, मिर्ची को तीखा करता है, अदरक को कड़वा करता है तो आंवले को कसैला कर देता है, उस रस की तस्वीर नहीं खींच सकते। उसी प्रकार हम लोग मोबाइल के कैमरा से या किसी और कैमरा से बापूजी की तस्वीर खींच सकते हैं, पर बापूजी की जो गुरुता है और गुरुदेव का जो अनुभव है उसकी तस्वीर नहीं खींची जा सकती। भक्ति से उसका अनुभव कर सकते हैं, श्रद्धा से उसका अनुभव कर सकते हैं। तो गुरुदेव की तस्वीर ऋषि प्रसाद पर थी, भक्त के लिए तो गुरु ही है। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर पूजा करते थे तो हम लोग कहते हैं कि गुरु की मूर्ति थी, पर एकलव्य से पूछो तो वो कहेगा कि ये मेरे गुरु हैं। सामने रखकर बैठ गए और गुरुदेव को पुकारते रहे शांत भाव से, जप करते, दुखी होकर नहीं, एक प्रेमी भक्त होकर। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, ये नियम करते करते चौथे दिन उनको थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा, पांचवें दिन और थोड़ा स्पष्ट दिखने लगा, छठे दिन और दिखने लगा और सातवें दिन तो स्पष्ट दिखने लग गया और गुरुदेव का दर्शन करके वो गदगद हो गए, उनकी वो बीमारी चली गई 7 दिन में।